ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं ललितपुर से रवि जैन चुनगी, मैं आपको मिलवा रहा हूं राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी आम आदमी पार्टी के जुझारू और बेहतरीन नेता संजय सिंह। आज हमारे ललितपुर में उनका आगमन हुआ है और उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान अनेक मुद्दे और दिल्ली सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया है और उन्होंने बुंदेलखंड राज बनाने की मुहिम छेड़ी है और वह उसी के अंतर्गत और संस्था के कई विषयों के अंतर्गत कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। हम आपसे मिलवाते हैं राज्यसभा सांसद संजय सिंह से। बुंदेलखंड प्रांत की आज बैठक थी हमारी, जिसमें दो तीन विषयों पर निर्णय लिया गया। एक तो ये तय किया गया कि हम लोग 2020 में जिला पंचायत के जो चुनाव हैं, ब्लॉक प्रमुख के जो चुनाव हैं, उन चुनावों में हम हिस्सेदारी करेंगे। हमारी ये भी मांग है सरकार से और इस बात पर सहमति भी है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव डायरेक्ट जनता के वोट से कराए जाएं, क्योंकि उस चुनाव में दलाली और भ्रष्टाचार होता है, खरीद फरोख्त होती है, तो उस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। दूसरा, हम लोगों ने यह भी तय किया है कि बुंदेलखंड के निर्माण के लिए, बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए एक व्यापक जन आंदोलन पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में छेड़ा जाएगा। मैंने राज्यसभा के अंदर सवाल भी पूछा था कि 6,000 करोड़ रुपए बुंदेलखंड पैकेज के नाम पर आया, किन किन योजनाओं में उसका खर्च किया गया, कितना पैसा शेष है, किस किस जिले को कितना पैसा आवंटित किया गया, लेकिन कोई जवाब सरकार की ओर से संतोषजनक ढंग से नहीं दिया गया। तो केंद्र सरकार का जो ये पैसा आ रहा है 1,000 करोड़ रुपए, वो बुंदेलखंड के विकास के लिए नहीं लगता। खनिज संपदा सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड के पास, प्राकृतिक संपदा सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड के पास, बांध बना के पावर प्रोजेक्ट लगाने का काम यहाँ चलता है, और जब बुंदेलखंड को विकास से जोड़ने की बात आती है तो यहाँ लोगों के पास चप्पल नहीं है। ऐसे शहरिया आदिवासी भी हैं, ऐसे गरीब इलाके हैं जहाँ पे किलो किलोमीटर तक लोगों को पैदल जाना पड़ता है पानी भरने के लिए, तो विकास से वंचित है बुंदेलखंड। इसलिए बुंदेलखंड राज्य का निर्माण होना चाहिए और लंबे समय से यहाँ के लोगों की ये लड़ाई रही है, उनकी भावनाओं का ध्यान में रखते हुए हम लोग लोगों तक जाएंगे, उनको यहाँ के मुद्दों से जोड़ेंगे और बुंदेलखंड राज्य की लड़ाई को हम आगे बढ़ाने का जो बुंदेलखंड राज्य के लिए विगत कई वर्षों से आज़ादी के पहले से आंदोलन जारी रखे हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी इस आंदोलन में उनका कितना सहयोग लेगी और कितना सहयोग देगी? देखिए, ये तो संभव जनता के आंदोलन से ही होगा, जनता के संघर्ष से ही होगा, जनता की मांग से ही होगा। उसमें हस्ताक्षर अभियान जैसा अभियान हो, या धरना प्रदर्शन आंदोलन जैसा अभियान हो, या बड़े बड़े सम्मेलन आयोजित करने जैसी कोई चीज़ हो, तो ये तो जब आप करेंगे, जब दबाव बनाएंगे सरकार के ऊपर, तभी ये मांग पूरी हो सकती है। क्योंकि हमको याद रखना चाहिए कि झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, तेलंगाना हो, एक बड़ा आंदोलन वहाँ की जनता ने किया, तब जाके ये राज्य बने हैं। तो इस क्षेत्र की जनता को भी उसके लिए तैयार होना। आगामी सत्र में जो सत्र होगा आपका राज्यसभा का, लोकसभा का, उसमें आप बुंदेलखंड राज्य के अंदर का कोई मांग उठाएंगे? बिल्कुल, उसके संबंध में भी मैं राज्यसभा के अंदर सवाल खड़ा करूंगा, जैसे हमने बुंदेलखंड पैकेज के बारे में पूछा, ऐसे ही। राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह से, जिन्होंने बुंदेलखंड राज्य निर्माण और अन्य मुद्दों पर अपनी चर्चा की और आगामी समय में जो सत्र चलेगा उसमें बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए वह अपना मुद्दा उठाएंगे और बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए उनका जो मिशन है वह आम जनता के साथ मिलकर करेंगे। ललितपुर लाइव टीवी से मैं रवि चुनगी। बुंदेलखंड के लिए जो पैकेज आए, उसमें जो लूट की गई, बुंदेलखंड का किन कारणों से अलग होना आवश्यक है, यहाँ पर खनिज संपदा सबसे ज़्यादा, यहाँ पर प्राकृतिक संपदा मौजूद, उसके बावजूद विजय बुंदेलखंड शिक्षा से वंचित, चिकित्सा से वंचित, सड़कों से वंचित, विकास से वंचित, ये मुद्दा जनता के बीच में, रोजगार से वंचित, यहाँ के लोगों को, शहरिया आदिवासियों को बाहर जाके किसानी मजदूरी करनी पड़ती है, तो ये मुद्दा लोगों के बीच में समझाना पड़ेगा कि हम इस कारण से बुंदेलखंड को एक अलग राज्य देखना चाहते हैं। जो किया है कि ताजी बियर होटल में, रेस्टोरा में, पब में बन पाएगी, उन्होंने योजना दिया है कि ट्रेन में मसाज होगी। अरे, ट्रेन में पहले सीट का तो इंतजाम कर लो, भेड़ बकरियों की तरह जनता जाती है, ज़्यादा ट्रेनें तो तुम बढ़ा नहीं पा रहे हो,
ज़्यादा ट्रेनें चला नहीं पा रहे हो, जितने यात्री हैं उनको ट्रेन की सुविधा दे नहीं पा रहे हो, तो मसाज कराओगे वहाँ पे कि टेलीफोन लगवाओगे कि इंटरनेट चलवाओगे, इससे क्या हो जाना है? पहले ट्रेन तो दे दो जनता को, पार्लियामेंट के अंदर। और पीयूष गोयल जी को हमने तो इसी क्षेत्र के लिए, बुंदेलखंड के क्षेत्र के लिए कई ट्रेनों को प्रस्तावित करके हम और आदरणीय रघु ठाकुर जी हम लोग जाके पीयूष गोयल से मिले थे। मैं आपको ज्ञापन दे दूंगा, हम तो लगातार मांग कर रहे हैं कि ट्रेनें बढ़ाई जाए, डिब्बे, लेकिन डिब्बे बहुत ज़्यादा एक ट्रेन में नहीं बढ़ाए जा सकते, उसकी अपनी एक लिमिटेशन है, जनरल कोच की भी एक लिमिटेशन है, लेकिन ट्रेनें ज़्यादा बढ़ाई जा सकती हैं। अगर नई ट्रेनें चलना शुरू होंगी, जो हर बार पिछले 10 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, जितनी ट्रेनों की घोषणाएं होती हैं रेल बजट में, एक भी ट्रेन नहीं चल पाती, घोषणा हो जाती है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ट्रेन चलेगी, चलेगी कब ये पता नहीं। सब एक विधायक का कहना है कि ताजी बियर अगर दे रहे तो जनता की सेहत का ख्याल रखा जा रहा है। सबसे ज्यादा भाजपा ही है, भाजपा ही जो विधायक है उनको जरूरत है अपनी सेहत बनाने की। दिल्ली में शिक्षा का बजट हमने अब तक हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जितनी भी सरकारें आज तक बनी हैं, सबसे ज़्यादा शिक्षा और चिकित्सा का बजट दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिया है। शिक्षा का बजट बढ़ाइए, 450 करोड़ रुपये शिक्षा बजट कम कर दिया योगी जी ने, तो कैसे आप प्राइवेट स्कूलों में 25% गरीब बच्चों का दाखिला होना चाहिए, ये राइट टू एजुकेशन में लिखा हुआ है, उसके कानून में लिखा हुआ है। आप मुझे बता दीजिए, कोई भी अपने बच्चे का यहाँ एडमिशन कराने जाता है, अच्छा अगर स्कूल है प्राइवेट का तो लाखों लाख रुपए डोनेशन लेते हैं, लाखों लाख रुपए डोनेशन लेते हैं इसी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो इस पे रोक कौन लगाए? ये अवैध वसूली है एक तरह से जनता से, तो स्कूलों की सर प्राइवेट स्कूलों की अवैध वसूली दो तरीके से रुक सकती है, सरकारी स्कूलों की शिक्षा का स्तर बढ़ाइए, प्राइवेट स्कूलों की लूट पर रोक लगाइए, और वहाँ पर 25% दाखिले का जो नियम है उसको सख्ती के साथ लागू करवाइए। तीन तरीका है, और शिक्षा का बजट बढ़ाइए, तब आप कोई शिक्षा में बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर कर सकते हैं, वरना तो हर चीज़ का जवाब बस जोर जोर से नारा लगा के देना है भाजपाइयों को, वही काम करते रहते हैं दिन रात। मुझे लगता है कि छोटे छोटे आंदोलनों से कोई काम नहीं बनेगा, हम कोई डींग हाँकने वाली बात करें वो ठीक नहीं है, इसके लिए मीडिया से लेके और आम जन को जबरदस्त दबाव सरकार के ऊपर बनाना पड़ेगा। ये दिन भर जो है योगी बाबा जो भाषण देते रहते हैं, उस भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। हम बात कर रहे हैं कि मासूम बच्चियों का बलात्कार कैसे रुकना चाहिए, और उनकी कैबिनेट फैसला ले रही है कि पब में, रेस्टोरेंट में, होटल में ताजी बियर बन सकती है। तो आप गोरखपुर से बाबा बन के पूरा घूम रहे हैं, पूरे देश में भाषण दे रहे हैं, और आप, आपकी सरकार की सोच और उपलब्धि यही है कि अब ताजी बियर बनेगी? मतलब कैसे कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की ठीक हो, उस पर आपका दिमाग नहीं जा रहा है। आप भी वही आज 40% से ज्यादा अपराध यूपी में बढ़े, तो जिस गुंडा राज, माफिया राज के खिलाफ आप आए, आपका नारा ही था ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश के लिए आपने नारा निकाला था, गुंडा राज भी बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है, तो कर क्या रहे योगी बाबा? सिर्फ भाषणबाजी। तो इसके लिए आम जन का दबाव बहुत जरूरी है, मीडिया से लेके पूरे प्रदेश की जनता को इस पे दबाव बनाना पड़ेगा। महिलाओं के लिए मेट्रो और बस में फ्री यात्रा, ये चार चांद लगाने का काम करेगी हमारी जीत पर। इससे जो हमारी सरकार का समर्थन मिलता उसमें और जबरदस्त वृद्धि होगी। तो मुझे लगता है कि जो हमारा काम है, अभी वाईफाई पे, सीसीटीवी पे भी काम शुरू हुआ है, जो हमारा काम है उसमें तेजी के साथ हम बढ़ा रहे हैं। संसद जी, आप यूपी के प्रभारी हैं और यूपी से आते हैं, लेकिन दिल्ली में ज्यादा सक्रिय रहते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, मैं तो पूरे देश में जहाँ जहाँ पार्टी ने भेजा है, राजस्थान है, बिहार है, यूपी है, बाकी तो साथ ही काम करते हैं ना, हम तो खाली एक
प्रभारी के तौर पे मीटिंगें लेते हैं, कुछ कार्यक्रम बनाते हैं। यूपी में और मजबूती होने चाहिए, आप हमें लगता है लगेंगे और समझ आम आदमी पार्टी का ध्यान दिल्ली पर है। नहीं ऐसा सांसद जी जो नहीं मिला, आप अपने शब्द में देखिए लगभग 6,000 करोड़ रुपए की धनराशि का जमीन पर कहां किस मामले में इस्तेमाल किया गया और किस योजना पर कितना व्यय किया गया और कितना पैसा बचा है, इसका कोई जवाब पार्लियामेंट में मुझे नहीं दिया गया। तो बुंदेलखंड पैकेज एक धोखा है और उस पर आवंटित धनराशि बंदरबांट की भेंट चढ़ी है। मेरा ये सीधा आरोप है कि दिल्ली में एक अनुकरणीय सरकार चलाकर हमने दिखाया है। आज जहां पर एक यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं होता उस राज्य में हम आधे दाम पर बिजली दे रहे हैं, 20,000 लीटर पानी मुफ्त दे रहे हैं। दिल्ली के अंदर आज सरकारी स्कूलों को हमने प्राइवेट स्कूलों से कई गुना बेहतर बनाया।